डायबिटीज देश के लिए एक चुनौती बन गई है। आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं और इस समस्या का जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, चीनी शरीर पर कैसे रिएक्शन करती है, एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए ताकि डायबिटीज ना हो। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट द्वारा मिल सकते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभु आनंद सर गंगाराम हॉस्पिटल से। तो सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आज के इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुकी है। तो इससे सबसे पहले हमें ये जानना है कि डायबिटीज़ क्यों हो रही है आज के टाइम में। तो डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए खराब डाइट, तनाव, बिगड़ते हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद बहुत हद तक जेनेटिक्स भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। साथियों, अब जरा ये भी जान लो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करें, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करें क्या ना करें ताकि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट की विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। डायबिटीज के मरीज जो हैं वो डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें और मीठे से परहेज करके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायबिटीज़ के जो ब्लड शुगर के जो मरीज़ हैं वो यदि इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन्हें चीनी से परहेज करना होगा। डायबिटीज़ के मरीज़ चीनी और चीनी से बने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें। मिठाई, केक, पेस्ट्री है ना, जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और अन्य मीठे पदार्थ जो चीनी से बने हुए हैं उनको जो है वो यदि अवॉइड करेंगे तो उनसे जो है डायबिटीज़ होने की खतरे जो है वो कम हो सकती है। दोस्तों, विश्व में बढ़ती डायबिटीज को लेकर WHO भी हैरान है। हाल ही में डायबिटीज को लेकर WHO ने एक गाइडलाइंस जारी की है। WHO ने बताया है कि डायबिटीज के मरीज कितनी चीनी खा सकते हैं। अब ये जो WHO जो है उन्होंने एक गाइडलाइन दिया है जिसमें कहा है कि एक हेल्दी इंसान जो है वो कम से कम 6 से 8 चम्मच चीनी का सेवन करें और डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो चीनी का सेवन ना करें। यानी जो हेल्दी पर्सन है जिनको शुगर नहीं है वो दिन में 6 से 8 चम्मच तक चीनी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ से परहेज करें तो उनसे उससे बेहतर होगा। क्योंकि चीनी जो है ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसमें ना तो विटामिन है, ना कोई मिनरल है और ना ही कुछ ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए नीडफुल है। तो WHO और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के गाइडलाइन के मुताबिक एक हेल्दी इंसान 6 से 8 चम्मच तक का चीनी का सेवन कर सकता है। साथियों, कभी सोचा है आपने कि मीठे में गुड़ बेहतर है या चीनी? अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो कौन बेहतर है? चलिए ये भी हम एक्सपर्ट डॉक्टर से जानते हैं। चीनी और गुड़ दोनों में ही कुछ कमियां भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि चीनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है और इसको खाने से शरीर को कई नुकसान झेलने पड़ते हैं। ये सुनने के बाद चीनी के नुकसान से प्रभावित लोग जो हैं वो चीनी के बदले गुड़ की सेवन स्टार्ट कर दी है। लेकिन इस बारे में भी कुछ तथ्य है कि गुड़ और चीनी का दोनों का सोर्स जो है वो गन्ना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अलग अलग होती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ के फायदे जो हैं वो चीनी से ज़्यादा हैं। गुड़ जो है वो पूरी तरीके से एक नेचुरल फूड आइटम है, जबकि चीनी में जो है क्लीनिंग और ब्लीचिंग प्रोसेस की वजह से केमिकल आ जाते हैं और रिफाइंड चीनी जो है उसके वजह से आपका जो शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चीनी के मुताबिक जो है गुड़ में कम होती है, जबकि चीनी में वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है। लेकिन गुड़ को चीनी के तरह नहीं बनाया जा सकता। खून की कमी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए तो गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो जिनको शुगर होती है उसमें ध्यानपूर्वक हमें गुड़ की भी सेवन करनी होती है। और गुड़ में जो है आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। इसीलिए गुड़ के फायदे चीनी से अधिक है, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें फिर भी ये चीज़ की ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
लेकिन यदि अगर आप दोनों में से किसी एक का चयन करना चाहते हैं तो गुड़ का चयन करें, क्योंकि इसके फायदे अधिक हैं जबकि रिफाइंड शुगर के लाभ बहुत ही बहुत कम हैं और उसके हानिकारक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं, ये भी जान ले। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिनको शुगर होती है, जिनको डायबिटीज की समस्या है, उनमें हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो इसके पीछे हमें इसको कंट्रोल करने के लिए तीन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोग डायबिटीज़ हैं वो अपना HbA1c लेवल्स जो है वो हर 3 महीने पर चेक कराते रहें और अपना HbA1c लेवल जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो मिनिमम 7% से कम रखें। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर जो है, जिन पेशेंट अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहें और ब्लड प्रेशर में यदि उनकी बीपी हाई आती है तो उस कंडीशन में ये उन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने सीनियर डॉक्टर से संपर्क करें और जो उस अनुसार अकॉर्डिंगली सही मेडिसिन जो बीपी के लिए दिया जाए वो लेनी आवश्यकता है। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल की मेंटेनेंस करनी, यानी अपने खाने में जो फैट है, फैट परसेंटेज है और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली खाने हैं, खान पीन है, उसको कम करें ताकि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहे और जिससे आपकी हार्ट अटैक होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। और चौथी चीज़ जो है स्मोकिंग, जिसको धूम्रपान कहते हैं, यदि लोग धूम्रपान का सेवा करते हैं वो डायबिटिक हैं तो उसमें कई गुना परसेंटेज हार्ट अटैक होने की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, जाहिर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायबिटीज से जुड़े हर जानकारी आसानी से मिल ही गई होगी। लिहाजा अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य डायबिटीज की चपेट में है तो उन्हें ये रिपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।